पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर या फिर संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कह रहा है ए बी संबंध के एम ओ है तो सी ए बी संबंध क्या होगा। आपके ऑप्शन भी दे रहा है एम एन ओ के ओ एम एल एन या फिर एल एम एन। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम एल एन। अब कैसे होगा सही उत्तर वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है साफ साफ शब्दों में कि ए जो दिया है आपको पहले से दिया है ए बी संबंध के एम ओ, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस 10 बराबर के हो गया है, बी प्लस 11 बराबर एम हो गया है, सी प्लस 12 बराबर ओ हो गया है। उसी तरह जो दूसरा आपको ऑप्शन दिया है सी सी प्लस 10 में बराबर एम हो जाएगा, ए प्लस 11 बराबर एल हो जाएगा और बी प्लस 12 बराबर एन हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा एम एल एन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं निर्देश दिए गए क्रम को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। आपके यहाँ पे देखिए लिखा है साफ साफ सी जी एच एल क्वेश्चन मार्क आर बी। यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रहा है एम क्यू के क्यू के एस या फिर आई एम। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, सही उत्तर होगा आप ऑप्शन नंबर ए एम क्यू, ठीक है। तो सी जी एच एल एम क्यू और आर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि उस जोड़े का चुनाव कीजिए जो दिए गए जोड़े के समरूप हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे जो दिया गया जोड़ा है 927 है, ठीक है। तो 927 कैसे है, देखिए अगर तीन का टेबल पढ़ते हैं तो तितली के 9 × 3 27, ठीक है। तो यहाँ पे 927 दे दिया गया है। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रहा है 5 × 125 गलत है, 8 × 64 ये भी गलत है, 15 × 25 225 ये भी गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 81 × 729। वो कैसे होगा वो बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 9 × 27 दिया है तो वो क्या है कि तितली के 9 × 27, ओके। अब यहाँ पे 81 × 729 दिया है तो वो है 99 81 और 81 9 आपका क्या हो जाएगा 729। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में बेजोड़ अक्षर चुनिए, बेजोड़ मतलब कि जो सबसे अलग हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है बी सी आई एफ सी एल या जी एच। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी सी ऑप्शन नंबर एक। अब बी सी कैसे होगा वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया है बी सी, बी सी यानी कि बी जो होता है वो 2 नंबर पे आता है, सी होता है 3 नंबर पे आता है। तो 3 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ओके। अभी दूसरे ऑप्शन में आई एफ दिया है तो आई जो होता है वो 1 नंबर पे आता है, सॉरी 9 नंबर पे आता है, और एफ जो होता है वो 6 नंबर पे आता है। 9 6 दोनों को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर सी में सी जो होता है वो 3 नंबर पे और एल 12 नंबर पे आता है, 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, यह भी 15 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है जी एच, तो जो एच होता है वो होता है 8 नंबर पे आता है और जी होता है वो 7 नंबर पे आता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आ जा रहा है। यानी कि इसमें भी 15 आ रहा है, इसमें भी 15 आ रहा है, इसमें भी 15 आ रहा है, लेकिन पहले वाले में 15 नहीं आ रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला। इसमें यही बोला है कि जो डिफरेंट हो तीनों से वो बताइए, तो सही उत्तर हो जाएगा बी सी, ओके। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। सी का पिता ए है और बी का बेटा डी है, ए का भाई ई है, बी की बहन सी है, तो ई के साथ बी किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाभी ऑप्शन नंबर एक। ये बहुत ही सटीक सवाल है और बहुत ही सिंपल सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यदि गणितीय चिन्ह प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस तथा गुणा का अर्थ माइनस है तो 1 × 2 + 6 − 2 + 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल सा साइन को इंटरचेंज कर देना है। यहाँ पे सही उत्तर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। अब कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है
कि यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ माइनस हो, तो आपका जो प्रश्न में दिया है ये इक्वेशन दिया है, एक गुणे दो माइनस एक गुणे दो प्लस छः माइनस दो प्लस सात। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, गुणे की जगह माइनस कर दिया है, यहाँ पे देखिए गुणे की जगह माइनस कर दिया है, प्लस की जगह गुणा कर दिया है और माइनस का जगह प्लस कर दिया है। तो आपका वन माइनस टू इंटू सिक्स प्लस टू इंटू सेवन, तो आपका इक्वेशन सॉल्व कर दिया गया है और वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर तीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का मौसपा चार एम उनका लक्ष्यपा 1224 है, यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला याद होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो उसी फॉर्मूले पर रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए रख के देखा गया ऑप्शन नंबर सी सही होगा 68। तो यहाँ पे देखिए मसप गुणे लसप बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला है जैसा कि मैं अभी आपको बताया हूँ। तो आपका देखिए मसप और लसप यानी कि चार गुणे इतना इजकल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 72 दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो 68 आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहे हैं कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है विकल्प, प्रश्न दिया गया है पाँच संबंधे 124, तो आठ संबंधे क्या होगा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन देख लेते हैं 65, 64, 512 या फिर 511। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 511, ऑप्शन नंबर डी। कैसे सही होगा वो भी देख लेते हैं, इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 511 कैसे होगा, तो देखिए जो पाँच संबंधे 124 दिया है क्वेश्चन में, पाँच संबंध 124, तो पाँच पाँच गुणे पाँच, एक सेकेंड, हाँ तो देखिए पाँच संबंध 124 दिया है, तो पाँच गुणे पाँच गुणे पाँच माइनस वन कर दिया, यानी पाँच पाँच पच्चीस, पच्चीस 125 में से 101 माइनस करेंगे तो 124 हो जाएगा, हाँ 124 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा इक्वेशन दिया है आठ संबंध क्या होगा, तो आठ संबंध में वही वाला फार्मूला लगा दीजिए, आठ को तीन बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, आठ गुणे आठ गुणे आठ, फिर एक घटा दीजिए, यानी कि आपका 512 माइनस एक 511 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहे हैं कि दो वर्षों के अंतराल में पैदा हुए पाँच बच्चों की उम्र का योग 60 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की उम्र, देखिए क्या कह रहा है, सबसे बड़े बच्चे की उम्र पूछ रहा है, तो वो क्या होगी। आपके ऑप्शन है 16 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 वर्ष। अब इक्वेशन देख लेते हैं कैसे सही होगा। यहाँ पे देखिए कि दो वर्षों के अंतराल में पैदा हुए पाँच वर्षों के बच्चों की उम्र 60 वर्ष दिया है, तो सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि एक बच्चे की उम्र है एक्स, ठीक है, तो दूसरे बच्चे की एक्स प्लस टू होगी, तीसरे बच्चे की एक्स प्लस फोर, चौथे की एक्स प्लस सिक्स और पाँचवें की एक्स प्लस आठ, क्योंकि दो दो वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए हैं। अब यहाँ पे सारे इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं एक्स एक्स प्लस दो एक्स प्लस चार, ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5x+20 बराबर 60 आएगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो एक्स का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 8, तो एक्स का मान 8 हो जाएगा, लेकिन वो पूछा क्या है, सबसे बड़े बच्चे की उम्र पूछा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा बच्चा, सबसे बड़े बच्चे की उम्र एक्स प्लस आठ है, तो आठ एक्स का मान आठ दी आया है, तो 8+8 बराबर हो जाएगा आपका 16 आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि व्यंजन 13-16 का 4+3 भागा 4-2 के 12 का मान क्या है। तो सिंपल सा यहाँ से बोर्ड मॉस्ट का नियम लगा देंगे, BODMAS, बोर्ड मॉस्ट का नियम लगा देंगे, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो आपका जो सही उत्तर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -69। चलिए बोर्ड मॉस्ट का नियम देख लेते हैं कैसे लगाया गया है। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड मॉस्ट का नियम लगाया गया है, ये आपका क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बोर्ड मॉस का नियम, काको पहले काटिए ता पीछे दो भाग, ये आपका याद होगा तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश में आप पढ़े होंगे, तो बोर्ड मॉस का नियम तो सॉल्व करेंगे -69 आराम से आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, कह रहे हैं कि बैंगलोर मैसूर कर्नाटका, अब तीनों में से कौन सा सही होगा। तो देखिए भैया सिंपल से क्या है कि बैंगलोर एक शहर है, मैसूर एक शहर है, कर्नाटका राज्य है, तो राज्य के अंदर ही एक राज्य के अंदर बैंगलोर और मैसूर दोनों आ जाएंगे, तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहे हैं राज्य राष्ट्रपति और राज्यपाल, तो इसका बेनारक इसका डायग्राम क्या बनेगा। तो जो राष्ट्रपति होता है, जो राज्य होता है उसका एक राज्यपाल होता है, ठीक है, और राष्ट्रपति के अंदर राज्य भी आता है और राज्यपाल भी आता है, तो आपका जो राष्ट्रपति एक बड़ा गोला हो जाएगा, उसके अंदर राज्य भी आ जाएगा और राज्यपाल भी आ जाएगा, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि राष्ट्रपति सॉरी राज्यपाल राज्य एक से दूसरे से संबंधित है। ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि प्लाज्मा थर्मामीटर रक्त, प्लाज्मा और थर्मामीटर और रक्त इन दोनों में क्या संबंध है। तो भैया जो प्लाज्मा होता है वो रक्त से संबंधित है, मतलब कि रक्त के अंदर प्लाज्मा होता है और थर्मामीटर वो अलग होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुर्सियाँ लकड़ी स्टील, तब यहाँ पे कुर्सियाँ जो होती हैं वो लकड़ी की भी बनी होती हैं और स्टील की भी बनी होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुर्सियाँ लकड़ी स्टील, कुर्सियाँ लकड़ी, मान लीजिए ये कुर्सी है, ये लकड़ी से संबंधित है और स्टील से भी संबंधित है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अब जीके का क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, यहाँ पे किस राज्य को नहीं, किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो सी वी रमन, एस जे भाभा, आर एन टैगोर या फिर मदर टेरेसा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, एच जे भाभा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता न्यूनतम थी, आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर बिहार, तो सही उत्तर हो जाएगा झारखंड ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस लिए दिया जाता है, आपका ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक संभावना, शौर्य, रचनात्मक उर्दू लेखन, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रचनात्मक उर्दू लेखन यानी कि ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसायन शास्त्र में साबुन डैश का लवण होता है, किसका लवण होता है, आपके ऑप्शन है वसा एसिड, ग्लाइकोल, फास्फोरस या फिर अमोनियम कार्बोनेट, तो आपका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा वसा एसिड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 में जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता सर्वोच्च थी यानी कि सबसे अधिक थी, तो ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल, तो हिमाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था, आपके ऑप्शन है जाकिर हुसैन, सैयद अहमद खान, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर एलेक्जेंडर, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आपका ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, राजीव गांधी, भीमराव अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैगस्थनीज के अनुसार भारत समाज कितने भागों में विभक्त किया गया था, आपका ऑप्शन है 7, 2, 5 या फिर 8, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, वो है 7। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे, आपका ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर दाऊद इब्राहिम, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक एटक के पहले अध्यक्ष थे, आपका ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर दाऊद इब्राहिम, तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्सेनल ने चेल्सी को 2-1 से हराकर कौन सी बार एकल एफए कप का खिताब जीत लिया है, आपका ऑप्शन है 7, 14, 21 या 24 बार, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 14 बार। अगला क्वेश्चन, सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी में पहले स्थान पर पहुंच गई है, तो आपका ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल या फिर सैमसंग, तो एप्पल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरण की सूची तैयार की है जिन पर रोक लगाई जाएगी। आपके ऑप्शन है 50 रक्षा उपकरण, 101 रक्षा उपकरण, 210 रक्षा उपकरण या फिर 351 रक्षा उपकरण। तो ऑप्शन नंबर एक सॉरी ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, 101 रक्षा उपकरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने हाल ही में पायलट आधार पर ऑफलाइन पेमेंट को मंजूरी दे दी है। आपका ऑप्शन है वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू की गई है। आपका ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर जयपुर। तो बेंगलुरु सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के कितने जवानों को महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। आपका ऑप्शन है 55, 171, 294 या फिर 315 जवान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, 294 जवानों को। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।